हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग श्री राम लला की ये वाली पोर्ट्रेट को ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। और आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ इनकी आउटलाइन करेंगे, बाकी शेडिंग पार्ट जो भी होगा वो मैं पार्ट्स वाइज पार्ट्स डालूंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इसकी आउटलाइन को फुल ड्रॉ करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली A4 साइज की पेपर को यूज़ कर रहा हूँ। और आप लोग को नहीं पता गाइस कि किस तरीके से ग्रिड्स को बनाया जाता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में। तो आप लोग को करना कुछ नहीं है, चारों साइड में आप लोग को 2-2 सेमी छोड़ करके, आप लोग चाहो तो 2-2 सेमी भी छोड़ सकते हो रेगुलरली, तो मैं 2-2 सेमी छोड़ता हूँ। बट ये ड्राइंग थोड़ा सा ईजी है, इसकी आउटलाइन करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 4-4 सेमी छोड़ करके मार्क किया। तो आप लोग भी अगर आप लोग चाहो तो A4 साइज की शीट पे 4-4 सेमी छोड़ करके मार्क कर सकते हो। एंड देन चारों साइड में मार्क कर लेने के बाद देन आप लोग को लाइंस को मैच करना है, उसके बाद आप लोग को नंबरिंग कर लेना है। और मैच करने के लिए आप लोग को रूलर का यूज़ करना है, ये वाली जो आप लोग रूलर यहाँ पे देख पा रहे हो, रूलर का यूज़ करना है जो होना चाहिए ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर का। तो इतना अगर आप लोगों का हो चुका है तो फिर आप लोग ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हो मेरे साथ। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम लोग को देखना है गाइस कि हम लोग को ड्राइंग कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ड्राइंग स्टार्ट करना चाहता हूँ ये आईज से स्टार्ट करना चाहता हूँ, या फिर जो भी रैंडमली जो भी पार्ट्स आप लोग लेना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग करो, आप लोग कोई भी रैंडमली पार्ट्स ले सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ से हेड वाले अपर हेड देख पा रहा हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आखिर ये कौन से बॉक्स में आ रहा है। और ग्रिड की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और रेफरेंस फोटो की लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड देन आप लोग को मेरी ड्राइंग के भी अगर लिंक चाहिए तो वो भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फटाफट से अभी देखता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ से, जैसे कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ तो ऊपर साइड से मैं देखूंगा तो यहाँ पे थर्ड नंबर वाले बॉक्स पे है, और साइड से भी थर्ड नंबर वाले बॉक्स पे है, यानी कि ऊपर से थर्ड एंड साइड से भी थर्ड पे आ रहा है। तो यहाँ पे यहाँ इस बॉक्स से जो है मैं अपना ड्राइंग को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, एक बात का ध्यान रखना आप लोग कि आप लोग जब भी आउटलाइन या फिर ग्रिड लाइन को ड्रॉ कर रहे हो तो बिल्कुल लो प्रेशर अप्लाई करके ड्रॉ करना, ताकि बाद में आप लोगों को ग्रिड इरेज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी वीडियो में मैं आपको ग्रिड भी इरेज करके दिखाने वाला हूँ। पहले आप लोगों को हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से जो है ड्रॉइंग को बनाना है, मतलब कुछ ज़्यादा भी हल्के हाथ से मत बना देना। मतलब जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो डार्कनेस, उस तरीके से ऑब्जर्व करके आप लोगों को भी थोड़ा बहुत उतना ही प्रेशर अप्लाई करके आप लोगों को ड्रॉ करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायगोनल वाला रूल का भी अप्लाई किया हूँ, बीच में आप लोग देख सकते हो बॉक्सेस में क्रॉस मैंने लगाया, तो उस तरीके से ऑप्शन आ जाता है ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट वाले ऐप में। तो अगर आप लोग को ये भी चाहिए तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और रेफरेंस फोटो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो फटाफट से अभी आप लोग वीडियो को एंजॉय करो और देखो मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। नाउ एंजॉय द वीडियो।
ओके, तो आउटलाइन की रफ स्केच कंप्लीट हो जाने के बाद में आप लोगों को पूरे आउटलाइन को इरेजर से इरेज कर देना है, और ध्यान रखना पेपर फटे ना, और हो सके तो थोड़ा सा मोटा पेपर का यूज़ करना जिसकी वजह से आपका पेपर फटेगा नहीं इरेज करने में, और कलरिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी उस पर। तो मैं यहाँ पे 200 GSM वाली प्रोस्टोक की A4 साइज़ की शीट यूज़ कर रहा हूँ। तो अब बिल्कुल आप लोगों को हल्के हाथ से इरेज करना है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो बिल्कुल हल्के हाथ से अच्छे से इरेज कर देना है, और ज़्यादा भी प्रेशर अप्लाई करके इरेज मत करना, आउटलाइन दिखना चाहिए क्योंकि बाद में हम लोग को यहाँ पे फाइनल आउटलाइन भी करना है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे गाइस ग्रिड लाइंस को बिल्कुल हल्के हाथ से बनाया था ना, तो दैट्स वाई मेरा जो ग्रिड लाइंस है वो भी इरेज हो चुका है फाइनली। ये क्या हुआ भाई, तो चलो फटाफट से अभी इरेज करता हूँ और देन आप लोग फाइनल आउटलाइन बनाओ, मैं भी बनाता हूँ। नाउ एंजॉय द वीडियो। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को आज की वाली ड्राइंग वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी ना तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर से कर देना। एंड हाँ गाइज थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तुरंत ही आप लोगों ने जल्दी से 2K कर दिया, थैंक यू सो मच इसके लिए। चलो मिलते हैं और किसी नेक्स्ट ड्राइंग वीडियो में, इसके सेकेंड पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।